ओके, तो अभिषेक बच्चन जो कि सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन जी के बेटे हैं, आज उनके 48th बर्थडे की खुशी में, बाय द वे हैप्पी बर्थडे टू हिम, आई रियली डोंट नो व्हाई आई एम साउंडिंग लाइक अ किड बट इट्स ओके। हम बात करने वाले हैं उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में, क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर झेला है, क्या क्या हिट्स एंड फ्लॉप्स उन्होंने दी है, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है उनके करियर की डेब्यू की, जो की हुआ था साल 2000 के अंदर रिफ्यूजी मूवी से, जो की एक इंस्टेंट फ्लॉप थी। एंड ये सिलसिला आगे भी चलता रहा फ्रॉम ईयर 2000 to 2004 मूवीज लाइक तेरा जादू चल गया, ढाई अक्षर प्रेम के, ओम जय जगदीश, मुंबई से आया मेरा दोस्त, कुछ ना कहो, ये सारी मूवीज फ्लॉप थी। उस बीच में सिर्फ एक मूवी थी जमीन जो कि एवरेज परफॉर्म करी थी, बाकी सारी की सारी डूब गई। पर फिर आया साल 2004, यशराज के बैनर में बनी हुई मूवी धूम ने उन्हें अपनी पहली हिट दिलवा ही दी, या फिर कह सकते हैं कि उनके करियर को एक रिवाइव दिया, क्योंकि अगर तुम कंसिडर करोगे ईयर 2004 to 2007 तो उनका काइंड ऑफ गोल्डन पीरियड था। ऐसा नहीं है उस बीच के अंदर फ्लॉप नहीं दी थी, बस बात ये थी कि इस बीच में हिट्स की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई थी। एंड इस बीच के अंदर उन्होंने सिर्फ सिर्फ हिट्स देना चालू नहीं करा, बल्कि उन्हें अवार्ड भी मिलने शुरू हो गए। 2004 की युवा, 2005 की सरकार एंड 2006 की कभी अलविदा ना कहना के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। एंड इस बीच के अंदर उन्होंने कुछ कुछ सोलो लीड भी दी, मूवीज लाइक गुरु एंड बंटी एंड बबली, जो कि ना ही सिर्फ हिट हुई बल्कि अच्छी मूवी वाली कैटेगरी के अंदर भी आती है। गुरु तो भाई फॉर श्योर काफी ज्यादा बेहतरीन है। उस बीच में भी फ्लॉप्स आती रही जैसे कि झूम बराबर झूम, डेली सिक्स, लेकिन मोर और लेस करियर जो है वो ठीक चल रहा था। धूम 2 एंड धूम 3 ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी। एंड ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जूनियर बच्चन का करियर एक हद तक ट्रैक पे आ गया था, अनलेस 2012 नहीं आया। 2012 के बाद में कह सकते हैं कि उनके करियर के ऊपर ऑलमोस्ट फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि उनके साल के अंदर हार्डली एक या दो मूवीज ही रिलीज होती थी, जहां पे वो यूजुअली 4 to 5 मूवीज दिया करते थे। क्योंकि इस बार ऐसा नहीं हो रहा था कि उन्हें स्क्रिप्ट ऑफर करी जा रही है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं, उन्हें स्क्रिप्ट ऑफर ही नहीं करी जा रही है। एंड ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा एंड 2018 के अंदर उनकी मनमर्जिया मूवी भी फ्लॉप हो गई, जिसके बाद हमें थिएटर के अंदर जूनियर बच्चन की कोई भी मूवी देखने को नहीं मिली। लेकिन कहते हैं ना, समय हर किसी को एक मौका देता है एंड इन्हें भी समय ने मौका दिया। 2020 में कोरोना आने के बाद सिर्फ और सिर्फ बॉबी देओल की किस्मत ही नहीं चमकी थी, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था, बल्कि अभिषेक बच्चन की किस्मत भी चमकी थी। एंड उसका सबसे बड़ा क्रेडिट गया था ओटीटी को, मूवीज लाइक लूडो एंड दसवीं, इसे लोगों ने देखा एंड काफी ज्यादा उनकी एक्टिंग को सराहा। एंड फॉर मी ये उनकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवीज के अंदर काउंट होती है, जिसके अंदर ना ही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए परफॉर्मेंस दी बल्कि एक्चुअल एक्टिंग करी। एंड दैट्स द थिंग जिसके लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। एंड हाँ, उस बीच में हम कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने वेब सीरीज के अंदर भी काम करा, ब्रीथ इन टू द शैडोज, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है, अगर तुमने नहीं देखी तो डेफिनेटली चेकआउट करो। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ अभी भी ओटीटी के ऊपर ही अपने जलवे बिखेर पा रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कंटेंट ड्रिवन मूवी जैसे कि घूमर करी थी, जो कि 2023 के अंदर रिलीज हुई थी एंड यस इट इज अ फ्लॉप। तो कह सकते हैं कि शायद से उन्हें ओटीटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए उनके करियर को और भी ज्यादा बूस्ट देने के लिए, और एल्स ही कुड वेट फॉर वन बिग रोल टू मेक हिज अल्टीमेट कमबैक। लेकिन उससे पहले सवाल यह आता है कि आखिरकार हमारी एक्सपेक्टेशन अभिषेक बच्चन से अभी भी क्यों लगी हुई है। उसका सबसे बड़ा रीजन आता है उनके फादर से, बल्कि कह सकते हैं कि उनके करियर को डुबाने में भी उन्हीं का हाथ है। देखो, चीजों को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करो, जब तुम्हारे फादर की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा ग्रेट होती है कि तुम्हें उस लेवल को मैच करना पड़े, तो आई थिंक ये बेहतर होगा कि तुम अभिषेक बच्चन बनने की जगह आर्यन खान बन जाओ। लाइक आर्यन खान के साथ भी सिमिलर सिनेरियो हो सकता था अगर वो मूवीज के अंदर ट्राई करते, लेकिन ही टर्न आउट टू बी अ बिजनेसमैन एंड वो चीज काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर गई, अदरवाइज तो उन्हें काफी ज्यादा कंपेयर करा जाने वाला था, जैसे कि आज की डेट में अभिषेक बच्चन को करा जाता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अभी भी उम्मीद की किरण है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी उम्मीद है। He can make his ultimate comeback just like Bobby Deol. All he need is a one big film. And अब बाकी यही था मेरा ओपिनियन अभिषेक बच्चन के करियर के रिगार्डिंग, तुम्हारा क्या कमेंट करके जरूर बता देना। And till then, bye.